हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। आप अपनी फेवरेट फोटो का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं और आप फोटोशॉप लाइटरूम के हार्ड सिलेक्शन प्रोसीजर से घबरा जाते हैं, उससे फेड अप हो चुके हैं और इसलिए आपने अपनी फोटो का बैकग्राउंड चेंज करने का इरादा छोड़ दिया है। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि हम हमारे मोबाइल पे, जी हाँ, इस मोबाइल पे ना कि कंप्यूटर पे, कंप्यूटर की स्क्रीन थोड़ी बड़ी होती है, वहाँ सिलेक्शन करना कंपैरेटिव थोड़ा इजी होता है, क्योंकि हमारे पास वहाँ पॉइंटिंग डिवाइस होती है। जबकि मोबाइल पे जब हम सिलेक्शन करते हैं तो उंगली से सिलेक्ट करते समय पता नहीं चलता कि हम कहाँ पॉइंट आउट कर रहे हैं और हमारा सिलेक्शन किस तरह का है। तो आज हम मोबाइल से सिलेक्शन करेंगे और इसके लिए फोटोशॉप लाइटरूम से भी एक बहुत बहुत अच्छी एप्लीकेशन मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें यूं चुटकियों में इस तरह से बैकग्राउंड चेंज हो जाए करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ये ऐप कौन सी है और आप इसके के यूज से अपनी फोटोज को किस तरह से बैकग्राउंड चेंज करके शानदार बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मुश्किल दिखने वाले काम को आसानी से अंजाम देने के लिए हम जो ऐप यूज करेंगे उसका नाम है लाइट एक्स। इसका आइकन कुछ इस तरह से होगा। इसे प्ले स्टोर में सर्च करने के बाद इंस्टॉल कर लेंगे और इसे ओपन करने के बाद नीचे कुछ ऑप्शन मिलेंगे, जिनमें से एल्बम ऑप्शन को सिलेक्ट करके हम वो फोटो सिलेक्ट करेंगे जिसका हमें बैकग्राउंड चेंज करना है। यहाँ आपको नीचे एक पेंसिल का आइकन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करने के बाद इस फोटो पे जो जो ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं वो सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है कटआउट और सीजर के निशान वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ एजेस को सेलेक्ट करते चले जाएंगे। आप रफली मूव करते जाएं ब्रश को एजेस पर और बाकी का काम आप स्मार्ट सिलेक्शन फीचर पर छोड़ दें। कुछ प्रोसेसिंग होने के बाद हमारा कटआउट अच्छे से सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ इसे चेक कर लें कि कोई हिस्सा छूट तो नहीं गया, जैसा कि इस केस में आप यहाँ देखें ब्लैक हेयर्स जो हैं वो थोड़े से रह गए हैं। तो इसके लिए आप नीचे कई सारे ऑप्शन हैं, स्मार्ट इरेजर, स्मार्ट सिलेक्शन, उनको फिर से यूज़ करते हुए उसे करेक्ट कर लें और इसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे हमारा बैकग्राउंड। इसके लिए मैंने एक ताजमहल की फ़ोटो सिलेक्ट की और हमारे ऑब्जेक्ट को इस फोटो पे प्लेस कर दिया। साइज़ का पूरा ध्यान रखें, ऐसा ना लगे कि हमने हमारे ऑब्जेक्ट को बैकग्राउंड पर ज़बरदस्ती चिपकाया है। और इसे थोड़ा सही से करने के बाद ये है हमारा फाइनल आउटपुट। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और इजी भी। तो आपने देखा कि कितना आसान है हमारी फोटो को कटआउट करना और उसे एक नए बैकग्राउंड पर प्लेस करना। लेकिन हमें हमारे कटआउट के लिए बैकग्राउंड चूज करते समय बहुत सारी बातों का ख्याल रखना चाहिए। चाहे आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करें, फोटोशॉप, लाइटरूम, ये सब पे अप्लाई होता है। तो वो सारी बातें, सावधानियाँ क्या हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो प्लान कर रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।